दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे, खुश और आनंदित होंगे। दोस्तों लास्ट टाइम जब हमने अपनी गवाही आप लोगों से शेयर की तो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा उस पर अपना प्यार दिखाया और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि अपना घर दिखाएं और भी इस बारे में बताएं। तो आज मैं आपको एक और गवाही से उत्साहित करूंगा, एक और गवाही जिसे सुनकर आप और अधिक विश्वास में बढ़ जाएंगे और आपको रियली में पता चलेगा कि विश्वास कैसे किया जाता है। ये गवाही भी हमारे घर से ही रिलेटेड है। और जब हम सोच ही रहे थे कि किस प्रकार से हम अपना घर बनाएंगे तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आई फाइनेंस की, कि फाइनेंस कहाँ से आएगा, कहाँ से पैसे की व्यवस्था होगी, क्योंकि घर बनाने के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत थी और जो कि हमारे पास बिल्कुल भी नहीं था। और हम सोच ही रहे थे कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, कैसे हम अपने घर को बनाएंगे। तो हमने प्लान किया कि हम लोग बैंक जाएंगे और बैंक से लोन लेंगे और तब हम अपने घर को बनाएंगे। और लगभग उस बारे में हम सोच रहे थे, प्रार्थना भी कर रहे थे और मैं सोच रहा था कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स पेपर वगैरह कंप्लीट करवाऊँ और कौन से बैंक में जाकर हम लोन लेंगे, कौन सा बैंक हमें सही लोन देगा। तो एक दिन मॉर्निंग में कुछ इस प्रकार से हुआ कि मैं एक पास्टर का प्रीचिंग को सुन रहा था, अपना मॉर्निंग डिवोशन में एक पास्टर की प्रीचिंग को सुन रहा था। तो उन्होंने अपनी एक गवाही शेयर की उस प्रीचिंग में, उस मैसेज में उन्होंने एक गवाही शेयर की कि एक हस्बैंड वाइफ थे, वो परमेश्वर का कार्य करते थे, सेवा में थे और वो चाहते थे कि वो एक भवन बनाए जिसके माध्यम से वो परमेश्वर की सेवा को कर सकें। और उन दोनों ने उस बात के लिए प्रार्थना करना शुरू किया और उनके जीवन में कुछ इस प्रकार से हुआ कि जैसे जैसे उनको कोई डोनेशन देता, जैसे कोई उनकी हेल्प करता, कुछ भी कोई उन्हें देता, वो तुरंत से जा करके अपने भवन के लिए, उस भवन के निर्माण के लिए वो सामान खरीद लेते। इस प्रकार से मैं यूं कहूं कि कभी वो ईंट खरीद लेते तो कभी वो सीमेंट खरीद लेते तो कभी रेत खरीद लेते, कभी सरिया खरीद लेते। इस प्रकार से वो भवन के निर्माण के लिए सामान को इकट्ठा करते रहे। अब कुछ सालों बाद क्या हुआ कि उनके पास पूरा मटेरियल इकट्ठा हो गया और उन्होंने अपने घर का निर्माण कर दिया। और उन्होंने बताया कि बिना किसी कर्जे के, बिना किसी लोन के परमेश्वर ने उनके घर का निर्माण कर दिया। और दोस्तों जब मैं इस गवाही को सुन रहा था तो मेरे मन में ये विश्वास उत्पन्न हुआ कि प्रभु जब तू इन भाई बहन के लिए कर सकता है, जब तू इनके लिए कर सकता है प्रभु, तो हमारे लिए भी कर सकता है। तो एक जैसा ही परमेश्वर है, जब तू उनके लिए उपाय कर सकता है तो हमारे लिए भी उपाय कर सकता है। और फिर हम दोनों ने डिसीजन लिया कि हम भी लोन नहीं लेंगे, हम किसी बैंक के पास नहीं जाएंगे लोन लेने के लिए और हमने कोई भी लोन के लिए अप्लाई नहीं किया। तो हम दोनों प्रार्थना करने लगे और हम दोनों कर रहे थे तो मन में, हम दोनों के मन में आया कि नहीं प्रभु, हम कोई भी लोन नहीं लेंगे, हम किसी भी प्रकार का लोन नहीं लेंगे, करेंगे तो आप ही हमारे लिए करेंगे, अदरवाइज हम कोई लोन नहीं लेने वाले, हम किसी से कोई हेल्प नहीं लेने वाले। प्रभु का वचन भी इस बात को कहता है कि जिसका आधार परमेश्वर है। तो इसलिए हमने इस बात को लेकर प्रभु के आगे प्रार्थना में रखा कि प्रभु हमारा आधार आप हैं, आप हमारे लिए पूरा करेंगे, आप हमारे घर को बनाएंगे। और हमारे पास थोड़ा सा ही पैसा था, मुश्किल से 3 लाख रुपए लगभग। तो हमने सोचा कि हम कुछ सामान खरीद लेंगे, उन्हीं की तरह हम भी सामान खरीद लेंगे और फाउंडेशन तक हम लोग क्लियर करेंगे, केवल इस समय फाउंडेशन डाल देते हैं फिर छोड़ देंगे। और हम लोगों ने काम करना शुरू किया। हम बहुत आनंदित हैं कि सच में विदाउट लोन के, जैसा हमने प्रभु के सामने विश्वास रखा कि प्रभु आपने करना और प्रभु ने हमारे लिए किया और हम ये प्रार्थना करते गए और परमेश्वर ने इस प्रार्थना का उत्तर दिया। और सच में मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप सब भाई बहन भी सोच रहे होंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके लिए किया, मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप निश्चय कर लीजिए, आप विश्वास कर लीजिए कि आपके लिए करने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु का हाथ थाम लीजिए, यीशु अपने आप आपको इस राह में चलाएंगे। कैसे फाइनेंस की व्यवस्था होगी, कैसे आपको घर बनाना है, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह ने पहले ही आपके लिए प्लान करके रखा है। दोस्तों ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी और आश्चर्य होगा कि जब हमने काम शुरू किया, फाउंडेशन का, मकान का काम शुरू किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत तरीके से हमें फाइनेंस की, हमारे लिए फाइनेंस की व्यवस्था की, अद्भुत तरीके से। जब हम प्रार्थना कर रहे थे, जब हमने काम शुरू किया तो हमारी जो इनकम थी वो डबल हो गई।
ऐसा प्रभु ने अद्भुत आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में किया। और ये कोई अलग जगह से पैसा नहीं आया है, ये हमारी YouTube की ही कमाई है। YouTube ने हमें ये सारा पैसा दिया है। तो लोगों के मन में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, ईसाइयों ने इन्हें पैसा दे दिया होगा इसलिए इन्होंने घर को बना दिया, ये फिर पता नहीं कहाँ से इनके पास आया होगा, ये फिर लोग जो डोनेशन भेजते हैं उससे इन्होंने अपने मकान को बना दिया। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने ये पैसा हमने ये मकान YouTube की इनकम से बनाया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा अद्भुत हमारे जीवन में किया कि हम जितना कमाते थे जब हमने काम शुरू किया तो उसका डबल प्रभु यीशु मसीह ने हमें दे दिया, यानी कि हमारी YouTube इनकम जो है उसकी डबल हो गई। और फिर जैसे जैसे हमारी मंथली इनकम आती है हम वैसे वैसे काम पे लगाते चले जाते। और आज प्रभु यीशु मसीह की दया से, उसके अनुग्रह से हम ये पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।